ओपन मोमिनी अधिका बिनते अधी सिद्धिका बिनते सिद्धि जो माया भी है जो प्रियदा भी है जो सिद्धिका भी है जो अधिका भी है और वो जो आदमा भी है और जो फाजिला भी है और जो मुतकिया भी है और जो फकीरा भी है वो जिनके बारे कुरान फरमाए अन नबी जो औला उल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम ये अजमत और शान वाले नबी जो ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब है वाजवाज उम्महातुहुम और कभी की जो बीवियां हैं वो ईमान वालों की माए हुआ करती हैं जितनी है वो ईमान वालों की माए है और फिर उन ईमान वालों की माओ में एक अहम नाम और एक अहम मकाम हजरत सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का है ये वो सोचा है बुका हमारा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारक व सल्लम की जो बाकी तमाम अजवाज मुतहरात में हुजूर को बहुत ही प्यारी और महबूब सोचा है मुतबा की ये वो सोचा है और तरफा है जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के अंदर सबसे ज्यादा हुजूर के करीब भी थी और सबसे ज्यादा दिल में दीन के मसाइल को जानने वाली भी थी और सबसे ज्यादा हुजूर से मसाइल को सुनकर रिवायत करने वाली ये भी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा है और दीन का बकसरत हिस्सा हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत के जरिए हम मुसलमानों तक ईमान वालों तक पहुंचा है क्योंकि बीबी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर से रिवायत करवाई है बल्कि जब हुजूर का जाहिरी तौर पर पर्दा हुआ ना और हुजूर के जाहिरी पर्दा फरमाने के बाद सहाबे किराम अलैहिम रिजवान को कोई मसला पूछना होता उन्हें वो समझ ना आ रहा होता आदम के खुलफाए राशिदीन के अंदर भी जो शख्सियात शामिल थी उनके दौरे खिलाफत में जब उन्हें भी कोई मसला दरपेश होता और वो किसी नतीजे को अकल का कर पाते तो वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तक उस मसले को पहुंचाया करते थे और सैयदा आयशा सिद्दीका उस मसले का जवाब निकाल कर पा दिया करती थी वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और सैयदा आयशा सिद्दीका सरकार को आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अमीन मेरे पास आए और जिब्रील अमीन मेरे पास एक रेशमी कपड़ा लेकर आए रेशम का कपड़ा लाके जिब्रील अमीन ने वो मुझे दिखाया और जब मैंने वो रेशम का कपड़ा देखा तो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से हुजूर ने फरमाया आयशा तुम्हें पता है उस रेशम के कपड़े पर क्या मौजूद था दिया रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए तो हुजूर ने फरमाया उस रेशम के कपड़े के ऊपर तुम्हारी तस्वीर मौजूद थी जो जिब्रील अमीन ने मुझे दिखाई थी कि अल्लाह की जानिब से पैगाम है कि ये आपकी दुनिया में भी सौजा है और आखिरत की भी सौजा है तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह करवाया था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार तकदीर फरमाए हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तकदीर फरमाए इसी असरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा ये जिब्रील अमीन आते हैं और ये जिब्रील कह रहे हैं कि बीबी आयशा को मेरी जानिब से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि
कहते हैं बीबी आयशा सिद्दीका की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे सलीम के खाने की फजीलत बाकी तमाम खानों पर हुआ करती है। और जो हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो है कि जो सरकार की सारी अज़वाज मुतहररात है उनमें कोई बेवा है और कोई फुकलता है लेकिन एक वाहिद सरकार की ज़ौजा है मुअत्तबा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है जो तवारी ज़ौजा है मुअत्तबा की जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर आई है। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये फजीलत भी हमें मिलती है कि जब कुल अज़वाज मुतहररात थी ना जब सरकार अलैहिस्सलाम अजोली बीबी आयशा सिद्दीका के पास जाने का होता तो उस दिन कुछ कहायत वगैरह नजराने ज्यादा आते और सरकार वहाँ ज्यादा तवज्जो करवाते तो कुछ अज़वाज मुतहररात के लिए नागवार सी बात भी थी। उन्होंने दिल में सोचा कि पर मुतवज्जे करें सरकार को ये पैगाम दे कि इस तरह के मामला बाकी मौकों पर भी हुआ करे सिर्फ इसी दिन मखसूस न हुआ करे। और फिर जब उन्होंने सरकार ने सलाम तक वो बात पहुंचा चाहिए अभी कहीं नहीं मेरे सरकार ने जो है अनवर भेज दिया फिर कहना चाहिए भेज दिया फिर कहना चाहिए भेज दिया। और फिर सरकार ने फरमाया कि मुझे आयशा सिद्दीका के मामले में तंग न किया करो इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ तो मुझ पर वही नहीं उतरती मगर आयशा के साथ मैं बिस्तर में भी हूँ तो अपनी वही मुझ पर उतर आया करती है। अपने मुंह में मसवाक को चलाकर हुजूर को देने वाली बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और वही हुजरत आयशा सिद्दीका जो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मदीना की और आपके गुंबद ए कसरा की जगह भी बनी जो हुजरत आयशा का आप मोमिनीन के दिलों की सहायक बना हुआ है।